नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है और हम आपको बता दें कि तारीख के ऐलान के बाद ही प्रत्याशियों का जो प्रचार प्रसार था वो शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अब नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करें, मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं और क्या सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने उतरकर चुनावी मैदान संभाल चुकी है और उसी कड़ी में निर्वाचन आयोग के ऐलान के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेश में 30 अक्टूबर तक ये नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी और ऐसे में अब प्रत्याशियों को महज 5 दिन का ही समय बचा है और जिनमें 2 दिन का शासकीय अवकाश भी रहने वाला है। ऐसे में प्रत्याशियों के पास महज 3 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में प्रत्याशी लगातार नामांकन दाखिल करने निर्वाचन अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर, तहसील कार्यालय पहुंचकर अपने नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार प्रत्याशियों की ओर से जारी है। हम कमलनाथ की बात कर ले, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा में जाकर आज अपना नामांकन दाखिल किया, या फिर हम जयवर्धन सिंह की बात कर ले, या फिर हम इंदौर से बात कर ले, यानी तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर लगातार प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इंदौर में अगर बात कर ली जाए तो 4 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिनमें 3 कांग्रेस के उम्मीदवार है तो जबकि 1 भाजपा के रहु से भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। यानी ये कह सकते हैं कि ऐसे तमाम क्षेत्र है जहां पर लगातार उम्मीदवार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और नामांकन की तारीख पास में आती जा रही है, वैसे वैसे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी। अगर हम दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को साइड में रख दें और निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं और लगातार अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं और ऐसे तमाम प्रदेश भर से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग तरीके से पहुंच रहे हैं। अगर हम बात कर ले तो 1 प्रत्याशी ऐसे भी सामने आए जो गधे पर बैठकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश भर में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो लगातार प्रत्याशियों के द्वारा जारी की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन देख पा रहे कि इस वक्त जो है प्रत्याशी काफी खुश नजर आ रहे हैं, किस तरह के दावे जो है प्रत्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने जो प्रत्याशी उनको सियासी जो पत्ते थे वो लगभग दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने साफ कर दिए। हम भाजपा की बात कर ले, भाजपा ने अभी अपनी 2 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, बल्कि जो कांग्रेस है उन्होंने 230 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के जो मोहर है उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब 230 विधानसभा के जो प्रत्याशी है कांग्रेस की ओर से वो जीत का दावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अपनी सक्रियता स्थानीय तौर पर बढ़ा दी और भाजपा के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और एक अलग तरह की रौनक इस विधानसभा चुनाव में हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि बागियों की भी कहीं ना कहीं इन प्रत्याशियों को डर सताया हुआ है और लगातार जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं इससे भी कहीं ना कहीं प्रदेश की जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो पार्टी है वो स्थानीय तौर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर दे रही है और कहीं ना कहीं मतदान तारीख है 17 नवंबर, उससे पहले ही अपने प्रत्याशियों को एक्टिव करके पार्टी की ओर अपना आकर्षण बढ़ाने की ओर पार्टी जोर दे रही है। बिल्कुल, लेकिन चुनावी माहौल जो है बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है, कितना जोश कार्यकर्ताओं में इस वक्त नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से निर्वाचन आयोग ने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि कौन मध्य प्रदेश के 5 साल राज करने वाले रहेंगे, तब से ही कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश देखने को लगातार मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात कर ले, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो कार्यकर्ता है वो लगातार स्थानीय तौर पर सक्रिय, और भारतीय जनता पार्टी के तो केंद्र के जिस तरीके से चुनावी मैदान में हमको नेता नजर आए और जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने मंत्री और पूर्व मंत्रियों को जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतारा, ये तमाम वो समीकरण रहे जिन्होंने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम कर दिया और उसी दिन से कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में सक्रियता के साथ साथ अपनी पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए थे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानसभा जो चुनाव है इनमें कहीं ना कहीं नेताओं से ज्यादा हमको कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से अब नामांकन की
प्रक्रिया नेताओं के द्वारा शुरू की गई है, यह भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश का काम करेगा और कहीं ना कहीं हमको आने वाले दिनों में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।